हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी कितने दिन तक प्रेगनेंसी टेस्ट में जो नेगेटिव रिजल्ट है वो आपका आता है। आइए जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के बारे में हर कोई जानता है और ये इजीली हर जगह भी मिल जाती है और काफी ऑथेंटिक रिजल्ट देती है और ज्यादा महंगी भी नहीं होती है, 50 रुपीज तक आराम से मिल जाती है। और आपको प्रेगा न्यूज किट से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये किट बड़ी ही आसानी से और जल्दी आपके यूरिन में SCG को डिटेक्ट करती है। इससे पहले कोई भी SCG को डिटेक्ट नहीं कर पाती है जितना कि प्रेगा न्यूज कर सकती है और आपको ये बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर टेस्ट में एक लाइन हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, 2 लाइन हो तो इट मींस आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर फेंट लाइन आए तो इसका भी यही मतलब होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अभी हल्की लाइन इसलिए है क्योंकि अभी आपकी बॉडी में SCG कम है और जब ये SCG थोड़े दिन के बाद आप चेक करेंगे तो हर 48 घंटे में, हर 24 घंटे में जो है SCG का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है, और आप जब थोड़े दिन के बाद फिर से चेक करेंगे तो आपका जो ये जो फेंट लाइन है वो भी डार्क हो जाएगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टेस्ट कब करना है ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके, क्योंकि कई बार महिलाएं बहुत जल्दी टेस्ट कर लेती हैं। अभी उनकी बॉडी में SCG का लेवल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और वो टेस्ट कर लेती हैं जिससे प्रेग्नेंट होने पर भी उनका टेस्ट नेगेटिव आएगा। जबकि आप प्रेग्नेंट होंगी तो भी किट नेगेटिव रिजल्ट बताएगी, इसलिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही टाइम जरूर पता होना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले आपको एक चीज का जरूर पता होना चाहिए, वो है आपका जो है लास्ट पीरियड कब आया था। कई बार महिलाएं इस चीज को भूल जाती हैं, उन्हें पता नहीं होता है उनकी जो पीरियड डेट है लास्ट वो क्या थी, इसलिए आप हमेशा अपनी पीरियड डेट को जरूर नोट कर लिया करें कहीं पर भी, क्योंकि कई बार आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से आगे आपको डिसीजन लेने में मुश्किल आती है कि आपको जैसे मान लो प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं, ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर नहीं चाहिए तो अगर जल्दी पता चल जाएगा तो कुछ टाइम तक मेडिसिन से भी अबॉर्शन हो जाता है, तब तक चांसेस होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर DNC आपको करवानी पड़ती है, और अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो फिर आपको अपनी फोलिक एसिड, रेगुलर चेकअप, प्रेगनेंसी के सारे ज़रूरी टेस्ट करवाने होते हैं, इसलिए आपको अपनी पीरियड डेट का ज़रूर पता होना चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। जब आपकी बॉडी में SCG बनता है, अब आपको ये पता होना चाहिए महिलाओं की बॉडी में SCG बनता कब है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ओवुलेशन के टाइम यानी जब एग ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, वहां पर स्पर्म का वेट करता है, अगर आपने ओवुलेशन के 3 से 4 दिन पहले या फिर ओवुलेशन के दिन अगर आपने रिलेशन मेंटेन किए होंगे तो फिर स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है, या फिर फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस की तरफ जाता है और वहां पर इम्प्लांट हो जाता है। जहां मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जिस दिन आपने रिलेशन मेंटेन किए हों उस दिन आपके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। इस प्रोसेस को भी टाइम लगता है क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी इम्प्लांटेशन होने के बाद से ही स्टार्ट होती है। जब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, और इम्प्लांटेशन होते ही ये जो SCG हार्मोन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी किट जिसे डिटेक्ट करती है, उसके बाद वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, और इसी SCG हार्मोन के बाद से ही आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी सिम्टम फील होने लगते हैं, बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये SCG हार्मोन रिलीज होता है तो इसकी अमाउंट यूरिन और ब्लड में भी बढ़ने लगती है, और प्रेगनेंसी के लिए ये SCG हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये SCG हार्मोन बढ़े नहीं, कम हो, तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। जब आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उसके 3 से 4 मिनट तक या फिर 1 से 2 दिन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फिर फर्टिलाइज हुआ एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए मूव करता है, यूट्रस की तरफ जाता है, और वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है, बहुत सी स्टेजेस को पास करके वो वहां पर पहुंचता है, जिसमें 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, और उसके बाद 3 से 4 दिन और लग जाते हैं इसको यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए, वहां पर चिपकने के लिए। और जब ये यूट्रस की बाल में इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, 7 से 8 दिन बाद
उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लेशन के कम से कम 7 से 8 दिन बाद आप प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन तब भी इम्प्लांटेशन होते ही एससीजी हार्मोन रिलीज नहीं हो जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए आप पीरियड डेट मिस होने के कम 7 से 8 दिन का के बाद ही टेस्ट करें, जिससे आपको सही रिजल्ट मिलेगा कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बात करते हैं, अगर आपने महीने में एक ही बार लेशन मेंटेन किया है, कई लोग महीने में बहुत बार लेशन मेंटेन करते हैं, रेगुलर लेशन मेंटेन करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। अगर आपने, आपको याद है, आपने महीने में एक ही बार रिलेशन मेंटेन किया है, तो आप डर रहे हैं कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, तो वो लोग जिस दिन उन्होंने रिलेशन मेंटेन किए हों, ठीक उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद आप टेस्ट कर लें प्रेगान्यूज से, तो भी टेस्ट अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप 100% समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। लेकिन अगर 3 हफ्ते बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रखनी है या नहीं रखनी है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।